अलीराजपुर जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। जब्त की गई शराब टैंकर से गुजरात ले जाई जा रही थी। जिले में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के अभियान अंतर्गत सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जिले के चांदपुर थाने का ये मामला है। एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर सभी थाने पर सघन जांच करने के निर्देश दिए गए। लाखों रुपए की शराब गुजरात की ओर से ले जाई जा रही थी। अभी गिनती जारी है। अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। का सख्त निर्देश है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब में लिप्त, एनडीपीएस के प्रकरण में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री महोदय के इसी निर्देश के पालन में, हमारे डीजी साहब के निर्देश के पालन में, हम लोगों ने लगातार चेकिंग की अभियान जारी कर रखा है। बीती रात चांदपुर थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम के द्वारा अवैध शराब से भरा टैंकर पकड़ा गया है। जो टैंकर पंजाब चंडीगढ़ से चलकर राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात को जा रहा था। टैंकर को पकड़ने के बाद उसमें भरे शराब की काउंटिंग की गई। काउंटिंग करने के बाद 210 पेटी नैनो, 108 पेटी मैकडोनाल्ड और 60 पेटी 999 शराब पकड़ी गई है नंबर की, जिसकी कुल कीमत लगभग 31.5 लाख हो रही है। इस प्रकार थाना प्रभारी चांदपुर, उनकी पूरी टीम एसडीओपी अलीराजपुर के द्वारा बहुत ही बढ़िया और सराहनीय और सख्त कार्रवाई की गई है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम घोषित करता हूं। साथ ही इस पूरी टीम को और अधिक इनाम के लिए आईजी साहब और डीआईजी साहब से रिकमेंड भी करूँगा। जो ट्रक और टैंकर पकड़ा गया है उसकी भी कीमत लगभग 18-19 लाख है। इस प्रकार पूरे मात्रा में जो जब्त टैंकर और शराब है उसकी लगभग कुल कीमत 50 से 51 लाख रुपया हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अवैध शराब एनडीपीएस के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान को और सख्ती से हम पालन करेंगे। किसी भी तरह से किसी भी तस्कर को जो अवैध धंधे में लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा।